हरम तैयबा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल का बटन दबा दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहे। सामईन कराम, ये जो आप अभी दरख्त देख रहे हैं ये बहुत पुराना दरख्त है, सदियों पुराना ये दरख्त है। अरसा दराज से तो हम खुद इसे देख रहे हैं। आप देखें इसकी ये शाखों से और इसकी जड़ों से और इसके तनों की मोटाई से आपको पता चल रहा होगा कि ये कितना पुराना दरख्त है। और इसका घनापन और फैलाव आप देखिए, इसके नीचे आप देखें लोगों ने स्टाल लगाए हुए हैं, बैठे आराम कर रहे हैं। तो ये बहुत ही पुराना दरख्त है जो हम आपको अपने इस व्लॉग में दिखा रहे हैं। नाजरीन, ये हैं कंवल के ताज़ा फूल, देखिए कितने खूबसूरत ये लग रहे हैं। ये आपको दिखाते हैं पूरा मंजर यहाँ का। فقد قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة صدق الله مولانا العظيم। हाज़रीन, अभी हम यहाँ पर उर्स के सिलसिले में इस मज़ार पाक पे आए हुए हैं। ये माड़ी दानिशमंदा का इलाका है और इस इलाके की पहचान यहाँ के जो ये बुज़ुर्ग हैं, अल्लाह के ये जो नेक वली थे, इन्होंने जो यहाँ अपना वक्त गुजारा, लोगों के अंदर अल्लाह का दीन फैलाया, दीन की खिदमत की, तो आज भी अल्लाह ताला ने इनके मज़ार को बुकाए नूर बनाया हुआ है। हर साल यहाँ पे महफिल पाक होती है, नाते पढ़ी जाती हैं, कुरान पाक की तिलावत होती है, किरात होती है, और इसके अलावा यहाँ पर चादर तब्दील की जाती है। और इसी तरह यहाँ पर जो है मोहतरम नाजरीन, मैं खसूसी तौर पे आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर बड़ा ही ज़बरदस्त
جو سلسلہ ہوتا ہے دعا کا آخر میں دعا بھی ہوتی ہے اور اسی طرح ارد گرد یہاں پر یہ میلہ لگتا ہے جہاں مختلف سٹال لگتے ہیں اور ان میں گاؤں کے ثقافت اور کلچر جو ہے وہ خصوصی طور پہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ Thank you.